अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो आज की वीडियो है कुछ ऐसे क्रिएटर्स के लिए जिनके पास कोई कंटेंट है ही नहीं, मतलब कि पता ही नहीं कंटेंट होता है क्या, लेकिन हम फिर भी क्रिएटर्स हैं। तो खैर, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई, अगर किसी ऑप्शन खोजी की दुकानदारी जैसा मुंह बना लें जिससे वीडियो वायरल हो जाती है ना, तो हम भी कुछ ऐसा ट्राई करेंगे ज़रूर, ताकि हमारी वीडियो वायरल जाए। तो भाई, पहले इसने किसी ऑप्शन खोती की दुकानदारी जैसा मुंह बनाया, अब इसने घोड़े की जाट जैसे इसके बाल हैं जिसको ये संवार रहा है। भाई पता है हमको तूने नहाया है, तो हमको क्यों दिखा रहा है तुम्हारे बाल इतने सिल्की? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, लेकिन यहाँ पर बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम नहीं है, यहाँ पर है बूढ़ी घोड़ी लाल सफेद और काली लगाम। लिटरली इस बंदे के मुंह पे झुरियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन हमने वीडियो और चवले मारने से बात नहीं आना है, और आखिर में बनता क्या देखो। पहले एक टिकटॉक पे था, वो अर्थगुल बना हुआ था भैंस की दुम, और अब ये अर्थगुल बना हुआ है। नहीं मतलब कि अर्थगुल तो फिर कोई 2 रुपये वाला सस्ता एक्टर ही रह गया ना, हर कोई जोड़ता उसकी कापियाँ स्टार्ट कर देता है। अब इसको देख लो, ये बड़ा आया मर्द बनता है, मजा आया। नहीं, अगर कीचड़ में उछलने कूदने को कोई कंटेंट कहता है ना, तो भाई हम भी ऐसा करेंगे। और जो इन लोगों को मतलब लाइक करते हैं और कंटेंट समझते हैं ना कि हाँ ये कंटेंट है, तो भाई उनके जूतियां मारे इंसान बिना किसी थूक के। और पीछे देखो, वो लोग देख रहे हैं कि भाई इनकी दुकानदारी में कौन सा ऐसा कीड़ा चला गया है जो ये मतलब उछलने कूदने स्टार्ट कर दिए इन्होंने कीचड़ में ही। अबे एक इंसान की पहन यकीन लगाना थोड़ी होती है जो कि दो दो इकट्ठे आते हैं। नहीं मतलब तू तो चलो कर रहा है, वो पिछले वाले को क्या है, उसने क्यों अपनी मतलब के टांगे तोड़वानी ली हुई है, अलहदा ही अपनी 3 रुपए वाली टॉफी लेकर शोखियां मार रहा है। मैं शाही इकबाल का। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मतलब कि अगर किसी 5 साल के बच्चे को भी ईंटें पकड़ा दी जाए ना कि तोड़ो, तो उसको भी पता है भाई कच्ची ईंटें टूट जानी है आसानी से, आपस में मारना टूट जाएंगी दोनों। लेकिन नहीं, हमसे कैसे टूटे, हम कौन सा कोई मर्द है, हम तो हिजड़े हैं, मतलब हमसे टूटे कि नहीं। नहीं, हिजड़ों के अंदर बंदा, इनसे पूछे, हिजड़ों के अंदर जान नहीं होती, उनको क्या 5-7 बीमारियाँ होती हैं, कैंसर, मलेरिया, टीवी, और दिमाग में उनके दूसरे रसौलियाँ होती हैं, और लंग्स कैंसर, और गुर्दों का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, आंखों का कैंसर, कानों का कैंसर, हर एक चीज़ का, स्किन कैंसर, हर एक का कैंसर होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, और हिजड़ों के अंदर जान ही नहीं होती। इसलिए इनको ये नहीं पता कि सबसे ज़्यादा ठुमके हिजड़े लगाते हैं, सबसे ज़्यादा मुजरे हिजड़े करते हैं, उनके अंदर जान होती है तो वो करते हैं, बड़े हैं, मर्द बनता फिरता है। अबे ओए, ये हिजड़ों का काम नहीं, ये मर्दों का काम है, पीछे हट। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। हाँ, तू तो 2 ईंटें तोड़कर तू तो मर्द बन जाता है, तेरे को 2 ईंटें तोड़ने के अलावा और कोई काम आता ही नहीं है। मतलब जो ये 2 ईंटें तोड़ देगा वो मर्द बन जाता है, उसको कोई बीमारी नहीं होती, वो ठीक होता है, उसको कोरोना नहीं हो सकता, उसको कोरोना की वैक्सीन नहीं लगनी होती, उसको कुछ नहीं होता। मुझे तो उस पीछे वाले की समझ नहीं आती, उसने तेरे को हिजड़ा बोल दिया, तुझको उसने खुसरा बोल दिया, तेरे को उसने इतनी ज़्यादा बीमारियां लगा दी, तेरे को सेहतमंद नहीं रहने दिया, तेरे को तेरे अंदर जान नहीं रहने दी, तू उसी की साइड पे मतलब पीछे आके फिर अपने टशन कर रहा है, नाच रहा है। चाचा सर की आपने कहा था कच्ची ईंट से पक्की तोड़ो, तो आज मैं आपका चैलेंज पूरा करता हूँ, मैं शाही हूँ इकबाल का, ये देख। Wait a minute. Who are you?
मुझे तो उस पीछे वाले की समझ नहीं आती, तू किस किस साइड पे है? वो तेरे को खुसरा बोल दिया, तू फिर भी उसी की साइड पे? अभी उसने ईंटे तोड़ने शुरू नहीं की और तूने अपने हाथ पहले से ही टूटा हुआ है कच्ची, फिर भी इसको तोड़ेगा। मैं शाही हूँ इकबाल का, मैं घर हैदर की आल का, मैं कायद का फरमान, मेरे सीने में कुरान, मैं खैबर मैं पंजाब, मैं सिंध बलोचिस्तान, मैं पाकिस्तान हूँ। शाही हूँ इकबाल का, मैं घर हैदर की आल का, मैं कायद का फरमान, मेरे सीने में कुरान, मैं खैबर मैं पंजाब, मैं सिंध बलोचिस्तान, मैं पाकिस्तान। मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है जी। सही कहा मुफ्ती साहब ने, बहुत नाजुक सूरत हाल है पाकिस्तान की, लिटरली बहुत नाजुक सूरत हाल है। मतलब के शॉर्ट्स के नाम पर चवले मार रहे हैं। उसने कहा ऐसे मेरी वीडियो वायरल नहीं जानी, मुझे फेम नहीं मिलना, चलो फटे पुराने कपड़े पहन लेते हैं। चलो ठीक है, हम फटे पुराने कपड़े पहन लिए, अब कुछ करते हैं तो कर लिया भाई, ईंटें तोड़ ली, इससे हमारी बीमारियों का डस्ट हो जाता है। अब मुझे समझ आ गई है कि अगर किसी ने अपने सेहतमंद होने का मतलब का पता लगाना होगा, वो सेहतमंद है या बीमार है, बस इसके पास चला जाए। अगर इसने ईंटें अगर आपने ईंटें तोड़ दी तो आप सेहतमंद, अगर ना तोड़ दी तो आप बीमार हैं। तो खैर यार, आज की वीडियो के बस इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और सब्सक्राइब वाला बटन तो लाजमी ठोक कर देना। और ये क्या है मतलब कि आप सब्सक्राइब करता ही नहीं है, वीडियो देखते हो और सब बिना सब्सक्राइब किए चले जाते, ये तो यार अच्छी बात नहीं हुई ना फिर।